Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. No sad. Oh no sad. Oh no sad. Badal pandu lode thoda si. Inno si khamma pe sada den thoda si. Oh inni bitha den udru. Ara chora le lu kaha karo hai. Mere se padha baba. Pad likh kar kaha padhego. Pad likh kar tar padunga. Kya bacha de re. Upar kar. अरे दादाजी क्यों गिर रहे हो? बेटा मेरा जाने दादो आ गा। दादाजी तुम्हारा नाम क्या है? बेटा मेरा नाम तो है जडमल। काम में टुंडल टुंडल क्या वहाँ? हम तुम्हें हक नहीं देंगे। ऊपर कर देख रहे कैसा है सुझ जाओ जी। दस्तखत कर दीजिए। कहा कह रहे हो दस्त कर दू और तू भाग जाए? नहीं मैं लेकर आऊँ दस्तखत कर दीजिए। अच्छा बेटा मैं जा रहा हूँ तुम्हें कह रहे हो आप दस्त कर दे। क्या बेटा मैं तो खुद देखूंगा। तो बच्चों से पढ़वा लेना ना। मैं तुम्हें साथ खेत में काम करूंगा। अपने से पढ़ लेना। बेटा डाक पढ़ दे। बेटा डाक पढ़ देना। ऐसा मैं कहा कर बेटे तो पढ़ दे रहा है। मौसा हेल्प कर रहे हैं। बेटा लब्बे आती है अभी पढ़ दूं। शाम को पढ़ दूंगा। डॉक्टर ने बोला है मुझको बीमारी है। ये भी कोई बीमारी हुई? सीधे सीधे कह रहे भी पढ़ने जा। अरे आकर चल जा। कार टाइम खराब करो मेरा। गली गली टेला चली यो रे बाहुबली। ओ बेटा बाहुबली। ओ भी खा कर फाड़ दू? ना बेटा पढ़ लो है। पढ़ लो। पीछे हट जाओ। मैं इसे कैसे बताऊं? मुझे पढ़ना नहीं आता। अरे बेटा मुन्नू तो बहुत टाइम कर कहा रहो है। सुनिए कहो दादा दिया मारिए क्या? अरे सीधे सीधे के दम पे पढ़ रहे ना। जिसमें केसरा ना डाका का जिस टेबल ले चल कर लाओ। अरे आप चल ना मुटक रे पर सुरक्षा के ट्रेन जब आ जाएगी। टाइम का पता है ना। ये चला उठती है। सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहू अरे बेटा मुल्ला जी मैं तो सुन गई यार कमल के पर्दा में कहाँ लिख रही है? बेटा डॉक्टर में दो तीन दिन ऐसा छुपे रहते परेशान कर रहा हूँ। पढ़ तो दे कहा लिख रही है? मेरे प्यारे दामाद जड़मल तुम्हारे सास ससुर की। मेरे प्यारे दामाद जड़मल तुम्हारे सास ससुर की तरफ से खबर है कि तुम्हारी बीवी कल रात तो बड़े बेटे डाकू कहा। मेरे प्यारे दामाद जड़मल तुम्हारे सास ससुर की तरफ से खबर है कि तुम्हारी बीवी कल रात अस्पताल में दो जुड़वा बच्चों को जन्म दिया है। मुबारक। वाह वाह वाह। अब रोड होगा तुम जब फ्लोर में। सभी भाई बहनों से गुजारिश है अगर मैं आज देख
अगर मैं पर राधिका का होता तो इतने मुसीबत ना झेलनी पड़ती। सभी भाई बहनों से कहता हूँ, अपने बच्चों को पढ़ाओ और लिखाओ, पढ़ेगा इंडिया।